पीटीआई का 6 जुलाई जलसा मंसूखी के चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ तोहीन अदालत केस है। अदालत का दोनों फरीकैन को मिल बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत की गई है। केस की समाअत पीर 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या हिदायत दी गई? हाँ जी, देखिए पीटीआई की 6 जुलाई जलसा मंसूखी के जो चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है और अदालत ने दोनों फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हदायत की है। अदालत ने समाअत पीर को चीफ जस्टिस की अदालत में मुकर्रर करने की हदायत जो है वो की है। वकील शरीफ शाहीन अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे अलावा सबको जल्द से जुलूसों की इजाजत है। चीफ कमिश्नर से मुलाकात की तो डायरेक्टरेट ने जो है वो कहा कि मेरा ऑर्डर मौजूद है, जलसा नहीं हो सकता। जस्टिस मियां गोला हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि 40वां छोड़ दें, डबल 40वां कर दें, क्योंकि अगले माह जो है वो स्टेट जो है वो इवेंट्स जो है वो होते हैं। जलसा करना इनका आईनी हक है। मैं इनकी दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के कानून पर आपने लोगों के बुनियादी। ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया।